से कि सैया भइल कोतवाल डर काहे का, यही वो बाबा है जो झुलनिया पहन के भी भागा था, है ना। भाजपा की सरकार में जो है ना पूंजीपति जो है गरीब का खून किस तरीके से चूसना है उसका नया नया फॉर्मूला जो है ईजाद करने का काम ये लोग करता है। और है किसी का ताकत हिंदुस्तान के अंदर में किस तरह का मजाक जो महामारी कोरोना जैसा वैश्विक महामारी चल रहा है इसमें है हिंदुस्तान में कोई ऐसा माई का लाल जो इस तरीके का मजाक कर दे कि मेरे पास कोरोना का दवाई है और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे उसके बाद भी वो सुरक्षित बैठा है अपने घर में। अगर आज इनका सैया प्रधानमंत्री नहीं होता, कोतवाल नहीं होता, तो ये एक घंटा के अंदर में भागे हुए हिंदुस्तान छोड़ के भागते नजर आते ही या फिर जेल के अंदर होते हैं। लेकिन चलिए, खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है, अब कदम गिन गिन के रखते हैं कमर बल खाई जाती है। तो वो हाल है बाबा का, बाबा अपना कमर मटका रहे हैं, जनता को बड़गला रहे हैं। ये लॉकडाउन जैसा स्थिति में जो है हिंदुस्तान के एक गरीब आदमी एक दूसरे का मदद करने का काम किया है, ये बाबा जो है अपने आटा पर 100 रुपया बढ़ाने का काम किया है। तो बताइए कितना ही भला कर रहे हैं हमारे देश का, हमारे देश के जनता का। भाषण से पेट नहीं भरेगा, राशन से पेट भरेगा, राशन मुहैया कराना जरूरी है। 70 साल पहले जो हमारा देश था और वो देश इतना तो मजबूत हुआ कि आज 6 साल पहले चाय बेचे वाला आदमी हमारे देश का प्रधानमंत्री बन जाता है। सोचिए कितना बड़का बात है कि 70 साल में हमारा देश इतना मजबूत हुआ कि चाय बेचे वाला प्रधानमंत्री बन जाता है। और आज ही चाय बेचे वाला जब प्रधानमंत्री बन गए तो आज इंजीनियरिंग की पढ़ाई करे वाला बच्चा जो है वो जो है पकौड़ा के दुकान खोलने के लिए भी सोचने को मजबूर है, उनके हाथ में रोजगार नहीं है। तो ई दिन बढ़िया कि वो दिन बढ़िया, खुद सोचिए आप। हम हमारे बेटा को, हमारे भाई को, सबको आप बना दीजिए चौकीदार, आप बन जाइए मंत्री। अरे वाह बेटा, ये कहाँ का बुद्धि है। ठीक है, अंधभक्ति जितना झेल रहा है झेल लेगा, लेकिन जो हिंदुस्तान की जनता वो झेले वाला ना है। इनके ऊपर जो है जनता का कहर पड़ने वाला है। हम अपने देश के प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करते हैं, निवेदन करते हैं कि प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी, आप सिर्फ भाजपा के प्रधानमंत्री नहीं हैं, आप सिर्फ बाबा रामदेव और अडानी अंबानी के प्रधानमंत्री नहीं हैं, आप हिंदुस्तान के जर्रा जर्रा के प्रधानमंत्री हैं। और हिंदुस्तान की आबो हवा आपकी हर बात को सुनता और मानता है क्योंकि आप प्रधानमंत्री हैं हमारे। और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे फ्रॉड बाबाओं पर जो है सख्त कार्रवाई हो, ये हम मांग करते हैं बाबा अपने देश के प्रधानमंत्री से। मनमोहन जी बताएंगे, पतंजलि ने कोरोना की दवाई बनाने का दावा किया है और उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बात कही है और उन्होंने दावा किया है कि 7 दिन से 14 दिन के अंदर 90-100% जो है वो कोरोना पेशेंट ठीक हो जाएगा। अब इससे आयुष जो डिपार्टमेंट है उसने इस चीज़ से पल्ला झाड़ लिया है और यहाँ तक कि जो उत्तराखंड आयुष विभाग है उसने भी इस बात की पुष्टि कर दी है कि जो बात की गई थी या लाइसेंस जो मांगा गया था वो खांसी और सर्दी जुकाम बनाने के लिए। तो ऐसे में इस तरह की जो हरकत रामदेव जी द्वारा की गई है आप किस तरह से देखते हैं और इस पर क्या इम्पैक्ट एक आम आदमी पड़ेगा इस दौर में जो कोरोना का दौर है। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा आपसे कि सैया भइल कोतवाल डर काहे का, यही वो बाबा है जो झुलनिया पहन के भी भागा था, है ना। तो जनता का ठगने का ठेका तो लिए हुए है ही है ये। दूसरा बात कि हमहूँ लूटब आ तू हो लूटा, हमहूँ लूटब तू हो लूटा और लूटे के आज़ादी बा। तो ये भाजपा की सरकार में जो है ना पूंजीपति जो है गरीब का खून किस तरीके से चूसना है उसका नया नया फॉर्मूला जो है ईजाद करने का काम ये लोग करता है। और है किसी का ताकत हिंदुस्तान के अंदर में किस तरह का मजाक जो महामारी कोरोना जैसा वैश्विक महामारी चल रहा है इसमें है हिंदुस्तान में कोई ऐसा माई का लाल जो इस तरीके का मजाक कर दे कि मेरे पास कोरोना का दवाई है और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे उसके बाद भी वो सुरक्षित बैठा है अपने घर में। कहाँ है वो सरकार, कहाँ है वो प्रशासन, क्या कर रही है। अब तक तो उस बाबा को अंदर होना चाहिए था, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए था क्योंकि आप देश की भावनाओं से खेल रहे हो,
जब विश्व स्वास्थ्य संगठन आपको इग्नोर कर रहा है, जहां आप इलाज, जहां पे आपने अपने जांच का दावा किया है, उस हॉस्पिटल ने, उस हॉस्पिटल के अधिकारियों ने ये कहा कि आपका जो दवाई है उस सर्दी खांसी के ऊपर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, इस पर रिसर्च किया जा रहा है, तो आप कोरोलोलीन बना दिए। और हिंदुस्तान की जनता ऐसी बेवकूफ़ है कि उनके बात पर तो हमेशा ठगता आया है कि टांग ऊपर कर लो। अब जैसे कि टांग ऊपर कर लीजिए तो सूरज नीचे नज़र आएगा। तो ये तो बाबा रामदेव सब दिन से खेल खेलते आए हैं, इनका जीवनी पता है सबको। किस तरीके से देखे कि आप दिल्ली से जो है झुलनियाँ पहन के इनको भागने पर मजबूर होना पड़ा, और ये आज जो कुछ भी कर रहे हैं सिर्फ सरकार के सह पर कर रहे हैं, जो हिंदुस्तान की भावनाओं के साथ गलत खिलवाड़ है। कहीं ना कहीं जो हमारा संस्कृति है, जो आयुर्वेद पद्धति है, उसको भी अपमानित करने का काम बाबा रामदेव जी ने किया है। अगर सत्यता है उसमें तो इनको फाइट करना चाहिए, क्योंकि जब भगवान राम के भाई लक्ष्मण जी को भी बाण लगा था तो संजीवनी बूटी जात हुई थी, संजीवनी बूटी था, तो आयुर्वेद है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। लेकिन वो हनुमान होना चाहिए, वो वैद्य सुसैन होना चाहिए, ताकि उसकी पहचान कर सके और शक्तिबान जैसे लगे हुए व्यक्ति मूर्छित को भी वो जीवित कर सके। लेकिन ये फर्जी बाबा, फर्जी खेल और फर्जी सरकार की बातें, इन पर जनता का विश्वास हट चुका है। अब जनता जो है सिर्फ समय का इंतजार कर रहा है कि कब हमारा समय अंगूठा दबाने का आए, कि ये बकवास जो करे वाला पार्टी है, ये सरकार जो है, जो बना तो हिंदुस्तान के लिए था, लेकिन वो बन के कुछ अंधभक्तों का रह गया है सरकार, जिसको भगाने की पूरी तैयारी में जनता बैठा हुआ है, लेकिन बोल नहीं पा रहा है। जिस दवा का दावा किया है बाबा रामदेव ने, वो और कोरोना की जो रिसर्च की बात है, कोरोना पर रिसर्च की बात है, वो एक विशेष दर्जे की लेबोरेटरी में जांच के द्वारा ही हो सकता है, और उसके लिए सरकार का जो है अहम रोल होता है। बिल्कुल। लेकिन ऐसे में, ऐसी परिस्थितियों में ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर बाबा रामदेव ने वो विशेष दर्जे की जो लेबोरेटरी है जो इनके पास नहीं है, उसमें कैसे ये सब चीज़ें कर ली और कैसे इन्हें मान्यता उस चीज़ के लिए मिल गई। तो आयुष डिपार्टमेंट ने तो अपना पल्ला झाड़ लिया है इन सब चीज़ों के लिए, क्या ऐसे में कार्रवाई होनी चाहिए रामदेव पर? आप वही बतवा तो हम बोलिए रहे हैं भाई जी आपसे कि सैया भइल कोतवाल डर काहे का। अगर आज इनका सैया प्रधानमंत्री नहीं होता, कोतवाल नहीं होता, तो ये एक घंटा के अंदर में भागे हुए हिंदुस्तान छोड़ के भागते नजर आते ही, या फिर जेल के अंदर होते। लेकिन चलिए, खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है, और कदम गिन गिन के रखते हैं कमर बल खाई जाती है। तो वो हाल है बाबा का, बाबा अपना कमर मटका रहे हैं, जनता को बड़गला रहे हैं। ये लॉकडाउन जैसा स्थिति में जो है हिंदुस्तान के गरीब आदमी एक दूसरे का मदद करने का काम किया है, ये बाबा जो है अपने आटा पर 100 रुपया बढ़ाने का काम किया है, तो बताइए कितना ही भला कर रहे हैं हमारे देश का, हमारे देश के जनता का। भाषण से पेट नहीं भरेगा, राशन से पेट भरेगा, राशन मुहैया कराना जरूरी है। स्वदेशी के नाम पर जिस तरह की बातें निकल कर आ रही हैं, आप बता रहे हैं कि आटे पर 100 रुपये बढ़ा दिए हैं, कोरोनिल के नाम से इन्होंने अपनी जो दवाई है वो भी मार्केट में बुला दी और एक हफ्ते का टाइम भी दिया है, तो ऐसे में जो देश का आम नागरिक है वो क्या सोचेगा? वो तो स्टोर पर जाएगा और कोरोनिल की डिमांड करेगा। बिल्कुल। देखिए, कहे ना कि हमारे हिंदुस्तान का जनता बड़ा भोला भाला है। जब उसको ये कहा जाता है कि भाइयों बहनों 15 लाख हम तोरा खाता में दे देंगे, उलट पुलट के वोट दे देता है। हिंदुस्तान का जनता इतना भोला भाला है कि हम भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, महंगाई खत्म कर देंगे, सब दौड़ल जाके वोट दे देता है, रोजगार देंगे। लेकिन अब आप सोचिए कि 70 साल पहले जो हमारा देश था, और वो देश इतना तो मजबूत हुआ कि आज 6 साल पहले चाय बेचे वाला आदमी हमारे देश का प्रधानमंत्री बन जाता है। सोचिए कितना बड़का बात है कि 70 साल में हमारा देश इतना मजबूत हुआ कि चाय बेचे वाला प्रधानमंत्री बन जाता है। और आज ही चाय बेचे वाला जब प्रधानमंत्री बन गए, तो आज इंजीनियरिंग की पढ़ाई करे वाला बच्चा जो है वो जो है पकौड़ा के दुकान खोलने के लिए भी सोचने को मजबूर है, उनके हाथ में रोजगार नहीं है। तो ई दिन बनिया कि वो दिन बनिया, खुद सोचिए आप। हमारे बेटा को, हमारे भाई को, सबको आप बना दीजिए चौकीदार, आप बन जाइए मंत्री। अरे वाह बेटा, ये कहाँ का बुद्धि है? ठीक है, अंधभक्ति जितना झेल रहा है झेल लेगा, लेकिन जो हिंदुस्तान की जनता वो झेले वाला ना है, इनके ऊपर जो है जनता का कहर पड़ने वाला है।
रामदेव जी ने जो ये एक तरह से जो पूरा प्रोपेगेंडा खड़ा किया है वो केवल अपने बिजनेस को ध्यान में रखते हुए क्या है? बस और क्या है इनका? नोटवा ईसा पीर न पीसा मीर, सबसे बड़ा है पैसा पीर। इनके नज़र में पैसा सबसे बड़का खेल है और कुछ नहीं है। पैसा इनको कमाना है, फूल पत्ती बेच के कमाना है, हमारे भारत के संसाधन से कमाना है, और हमारे भारत से ही शुरुआत इनका होता है। लूटो और फिर बाद में प्रचार करो और दुनिया भर में कमाई करो। अब बताइए सरकार कितना कोरोना में कितना दिए हैं, ये बताइए कितना पैसा दिए हैं? आज देवो किए हैं तो बेचारा वो हिसाब हमको मिलिए नहीं रहा है जो हमारा आप ढूंढ रहे हैं। यही प्रधानमंत्री जो कल तक कहते थे कि भाई दिल्ली में जितना पैसा है उसका हिसाब पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए, अगर वो हिसाब नहीं देता है तो क्या समझो दाल में काला है। और आज अगर हम पूछ रहे हैं तो हमको देशभक्त नहीं कहा जाता है, गद्दार कहा जाता है। लेकिन हम बाबा भीमराव अंबेडकर जी के संविधान में सांस लेते हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर जी जो संविधान हमारा लिख के गए हैं ना, उसी ताकत पर हम बोलते हैं, और ये ताकत हमसे कोई छीन नहीं सकता है। हिंदुस्तान में न लोकतंत्र को कोई ख़त्म कर सकता है। अच्छा गामा भाई ये और बताइए कि ऐसे में जब ये सारी चीज़ें चल रही हैं तो सरकार की तरफ से कोई भी अभी ऑथेंटिक बयान नहीं आता है, ना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर कुछ कहते हैं। जितने भी बड़े लीडर्स हैं बीजेपी के और सत्ता के जितने भी मंत्री हैं वो इस पर चुप्पे साधे हुए हैं, तो क्या लगता है इसके पीछे की वजह क्या है? हिस्सा कमैया नहीं चाहिए, वर्चुअल रैली में ही 200 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं। हम लोग वीडियो कॉलिंग से बतिया रहे हैं, अपना फोनवा से बतिया रहे हैं, कम पैसा में हम प्रचार कर रहे हैं, अपने लोगों का हालचाल ले रहे हैं। राशन आप पहुंचाए नहीं, आप बसवाड़ी में जो है LED टंगवा दिए, जंगल में LED टंगवा करके काप उसको गरीब का पेटवा भर रहे हैं। तो आई पैसा आ कहाँ से रहा है भाई, पैसा आ कहाँ से रहा है? तो ये सब पैसा इस अनेक खजानवा में से आ रहा है, चाहे अडानी हो, अंबानी हो, बाबा रामदेव जैसन लोग जो है, ये लोग हिंदुस्तान की जनता को ठगता है और फिर वो पैसा वहाँ जाके बंटवारा हो जाता है। समझ गए? जिस तरह से पेरी फीवर के नाम से भी एक दवाई आने की बात कही गई है, वो अगले हफ्ते से शायद अवेलेबल हो जाएगी। 103 रुपये कॉस्ट रखी गई है उस पर टैबलेट की, और वो बताया गया है कि जो कोरोना में मध्य वर्ग और प्राथमिक जो इलाज है उसमें कारगर साबित होगी। तो ऐसे में बाबा रामदेव ने इस बात को दिमाग में रखते हुए कहा कि ये सब चीज़ें अगर मैं अपनी कोई दवाई लाऊंगा तो मेरा इम्पैक्ट ज़्यादा अच्छा पड़ेगा, लोग दवाई लेने आ पहुँचेंगे, स्वदेशी और जो विदेशी वाला मामला रहेगा इसमें कंपटीशन हो जाएगा। देखिए हम भारतीय हैं, हम स्वदेशी को प्रेम करते हैं। ये लोग तो खाली स्वदेशी के नाम पर कमाई करते हैं। समाजवादी आज भी टोपी जो पहनता है ना खादी पहनता है, समाजवादी कपड़ा आज भी पहनता है खादी पहनता है, गमछा भी जो नहीं देख रहे हैं ये सब खादी है, स्वदेशी माल हम पहनते हैं, स्वदेशी है, स्वदेशी के बात करते हैं, किसान के बेटा हैं, किसान की बात करते हैं। यही लोग किसान के बेटा तो है नहीं, अडानी अंबानी के गोद में खेले वाला बच्चा सब है, लेकिन हाँ किसान के भावना से कुरेद करके जो है ये नोटवा कमाना जानते हैं स्वदेशी के नाम पर। हमसे तो कहेंगे स्वदेशी अपनाओ, आई जो है विदेशी घड़ी पहनेंगे, हमसे कहेंगे स्वदेशी बेड पर सो तो ये विदेशी बेड पर सोतेंगे। तो इन लोगों का तो कथनी और करनी में कभी एक रहबे नहीं किया, हमेशा अंतर रहा है। जब जब तक कुर्सी नहीं मिलता है तो कुछ और, कुर्सी मिल गया तो कुछ और। मनोज भाई आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री आए इस पर कुछ कहें, इस पर कार्रवाई करने की बात करें? हम अपने देश के प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करते हैं, निवेदन करते हैं कि प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी, आप सिर्फ भाजपा के प्रधानमंत्री नहीं हैं, आप सिर्फ बाबा रामदेव और अडानी अंबानी के प्रधानमंत्री नहीं हैं, आप हिंदुस्तान के जर्रा जर्रा के प्रधानमंत्री हैं, और हिंदुस्तान की आबो हवा आपकी हर बात को सुनता और मानता है क्योंकि आप प्रधानमंत्री हैं हमारे, और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे फ्रॉड बाबाओं पर जो है सख्त कार्रवाई हो। ये हम मांग करते हैं बाबा अपने देश के प्रधानमंत्री से कि जनता की भावना से खेलने का अधिकार किसी को नहीं है।